अयोध्या प्रयाग वाराणसी को रेलवे विभाग एक सर्किट बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें तीनों धार्मिक नगरों की यात्रा श्रद्धालु रेलवे की सुविधा से एक साथ कर सके। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के DRM संजय त्रिपाठी ने फैजाबाद व अयोध्या रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अयोध्या में 700 करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें 104 करोड़ की लागत से बन रहा अयोध्या रेलवे स्टेशन दिसंबर 2020 तक तैयार हो जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जा रहा है। अयोध्या पहुंचे DRM रेलवे संजय त्रिपाठी ने फैजाबाद व अयोध्या रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। DRM संजय त्रिपाठी ने बताया कि अकबरपुर फैजाबाद ट्रैक दोहरीकरण 2022 तक पूरा हो जाएगा, जिससे लखनऊ से वाराणसी के बीच ट्रेन कम समय में दूरियां पूरी करेंगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग अक्टूबर 2020 तक पूरी हो जाएगी। रेलवे विभाग अयोध्या रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का दिसंबर 2020 में उद्घाटन करने की तैयारी कर रहा है। इस समय अयोध्या में रेलवे 700 करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। अयोध्या में ट्रैक दोहरीकरण से ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी, साथ ही ट्रैक इलेक्ट्रिक होगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन को दिव्यांग फ्रेंडली बनाने का कार्य किया जा रहा है। रेलवे विभाग अयोध्या प्रयाग व वाराणसी को रेलवे सर्किट के रूप में डेवलप करेगा, जिसे तीनों धार्मिक नगरी में यात्री एक साथ यात्रा कर सके। यहाँ पे अयोध्या क्षेत्र में हमारे दो या तीन बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। एक तो हमारा जो अकबरपुर ये फैजाबाद सेक्शन की डबलिंग का दोहरीकरण का कार्य है, जिससे गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, गाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी। ये कार्य जो है 2022 तक करने का प्लान कर रहे हैं। अयोध्या स्टेशन की जो बिल्डिंग है, इसका कार्य हम लोग कोशिश तो ये करेंगे कि अक्टूबर 20 तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसको किसी भी हरारत में हम लोगों ने ये बोला है कि दिसंबर तक तो हम लोग इसका इनॉग्रेशन का प्लान कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे यात्री सुविधाएँ बढ़ाए जाने के बारे में, यार्ड की रिमॉडलिंग के और फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने के अन्य प्रोजेक्ट भी हैं, तो इनको चरणबद्ध तरीके से पहले से किया जाएगा, क्योंकि यार्ड की रिमॉडलिंग तो डबलिंग के साथ ही होगी। और इस क्षेत्र में जो टोटल परियोजनाएं हैं हमारी, वो करीब 700 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें डबलिंग है करीब 500 करोड़ की और स्टेशनों का उच्चीकरण है। अयोध्या की बिल्डिंग का कार्य का मतलब जो बिल्डिंग बनाने का कार्य है, ये खुद ही 104 करोड़ का कार्य है। और इसको हम लोग ये एक बहुत ही सघन तरीके से मॉनिटर किए जाने वाला प्रोजेक्ट है, जिसको कि हमारा प्रयास ये है कि इसको जल्दी से जल्दी करके हम अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा दे सकें। और दोहरीकरण होने के बाद, चूंकि गाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है, यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी और कनेक्टिविटी हमारी इम्प्रूव कर जाएगी, तो दूर दराज के जो यात्री आते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे यात्री दक्षिण से आते हैं और बहुत सारे यात्री हमारे दूर महाराष्ट्र से, गुजरात से, राम यहाँ पे राम मंदिर के दर्शन वगैरह जो करने आते हैं, उनको भी इससे आराम हो सकेगा। तो ये हमारी प्राथमिकता में है। और सबसे पहला काम तो हमारा, ये बिल्डिंग तो पहले ही बन जाएगी हमारी, स्टेशन का जो रिडेवलपमेंट हो रहा है, और दोहरीकरण का कार्य भी चल रहा है। इसमें दो ब्रिज बनाए जाने का कार्य प्रगति पे है, और अन्य स्थलों पर भी जो ट्रैक ले करने का कार्य होता है वो भी चल रहा है। तो कोशिश हम लोगों की ये है कि इस कार्य को जितना शीघ्र कर सकें हम लोग, अगर टारगेट हमारा 2022-21-22 तक है, लेकिन उससे पहले अगर कर सकेंगे तो कोशिश हमारा ये रहेगा, प्रयास ये होगा कि उससे पहले ही हो जाए। एक्चुअली अभी जब मैं यहाँ आने का वो कर रहा था, तो मैंने पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक से भी वार्ता की थी, क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ पर हम उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे की काफ़ी निकटता है यहाँ पर, तो वो अपनी व्यस्तता के कारण यहाँ नहीं आ सकी, लेकिन उनको गोरखपुर जाना था एक अन्य मीटिंग में। लेकिन हम लोग अब ये प्लान करेंगे कि अगली बार जब हम लोग आए तो एक संयुक्त रूप से इसका निरीक्षण करें और सारे अपनी परियोजनाओं को एक अभी नहीं हो पाए। हाँ, उसको कार्य को ना होने की वजह से यहाँ पर अभी उन गाड़ियों का परिचालन जो है, उस इलेक्ट्रिक विद्युत के परिचालन नहीं हो पा रहा है। तो उसके बारे में ये जो हमारी ये परियोजना है, ये एक्चुअली इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं, तो विद्युतीकरण का कार्य एक्चुअली जब ट्रैक बन जाएगा उसके बाद ही हो सकेगा।
तो इस वजह से ये समस्या है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनकी गाड़ी अगर विद्युत से चल के आती है तो यहाँ पर हम डीजल इंजन की व्यवस्था करके उसको आगे ले जाएं जब तक कि हमारा ये इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो जाता। और हमारा जो दोहरीकरण होगा उसके साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी शायद कार्य जैसे जैसे दोहरीकरण के कार्य चरणों में पूरा होगा उसके साथ होता है। अयोध्या पर्यटन दृष्टिकोण से इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, ये भी माना जा रहा है कि 10 times ज़्यादा यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं करोड़ों में। ये सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे अयोध्या रेलवे स्टेशन पे है कि बुजुर्ग जो दंपति या बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं है कि उनको रेलवे से उनके डिब्बे तक उनके सीट तक पहुँचाया जा सके, तो सर क्या हो रहा है उसके? देखिए ऐसा है, हमारा इस जितने भी स्टेशन है हमारे इस मंडल में उनको सबको दिव्यांग फ्रेंडली और वृद्ध सृजन फ्रेंडली बनाने का प्रयास हमारा चल रहा है। इसी सिलसिले में अभी आपने देखा होगा अयोध्या में इसमें फैजाबाद स्टेशन पर हम लोगों ने 2 व्हीलचेयर भी रखवाई हैं ताकि हमारे जो वयोवृद्ध श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो उसका कर सकें। और जैसे ही हमारा स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य पूरा होगा और यहाँ पर हम लोग रैम्प बना के, इसके एंड में वैसे भी एक रैम्प है, तो उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे कि उस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो सीढ़ी चढ़ने में या स्टेशन में आने में अच्छा है। ये देखिए, ये जो आपने बात की कि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसके सिलसिले में बता दूं कि लखनऊ मंडल इस मामले में बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास प्रयाग, वाराणसी और अयोध्या, ये तीनों ऐसे स्थल हैं जहाँ पर लगभग हर क्षेत्र का हिंदुस्तानी यहाँ आना चाहता है। तो इस क्षेत्रों के लिए अब जैसा आपने देखा होगा कि इस समय हमारी बहुत ही परियोजनाएं चल रही हैं, हम इस क्षेत्र को डेवलप करना चाहते हैं, दोहरीकरण हो जाएगा तो हम ये चाह रहे हैं कि ये प्रयागराज, बनारस और अयोध्या, इसका एक सर्किट डेवलप हो सके ताकि जितने भी यात्री इस क्षेत्र में आए इन तीनों स्थल का योग वो कर सकें, अपना लाभ उठा सकें। और ये और तीनों हमारे मंडल में है तो इसलिए हम इसके ऊपर एक समीकृत कार्य योजना भी बना रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड प्लान है हमारा इस सर्किट को डेवलप करने का, जिसके चरण में प्रयाग और प्रयाग घाट स्टेशन को आपने देखा होगा बहुत अधिक उच्च कर दिया गया है, हमारा जो बनारस स्टेशन है वो काफ़ी संवर्धित हो चुका है और काफ़ी उसको और डेवलपमेंट किया जा रहा है इनफैक्ट, और अयोध्या आपने देखा होगा कि आसपास के परिसर में जिस तरीके कार्य चल रहा है जो बहुत ही शीघ्र जैसा मैंने पहले ही बताया कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद ये हमारा जो सर्किट है इससे हम बहुत सारे लोगों को यहाँ ला सकेंगे और उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे, ये हमारी ऐसी योजना है।